स्टैंडर्ड 7 एक्सरसाइज नंबर 8.2 कंपेयरिंग क्वांटिटी में एक्सरसाइज नंबर 8.2 देखते हैं। तो कन्वर्ट अ गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू द परसेंटेज, तो कोई भी फ्रैक्शन नंबर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो फर्स्ट और थर्ड करवा देता हूँ, सेकंड फोर्थ अपने हिसाब से कर लेना आप। तो फर्स्ट में क्या दिया है आपको, 1/8। क्या दिया है? 1/8। तो मैंने क्या बोला था, कोई भी अगर आपको फ्रैक्शन नंबर दे देना, तब उसमें से आपको अगर परसेंटेज में जाना है ना, तो एक सिंपल चीज़ मैंने बताई थी कि क्या करो, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो। और पीछे परसेंटेज लगा दो। क्या? 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज लगा दो। तो अभी 2 से काटेंगे तो नीचे 4 आएगा, और ऊपर 2 से काटेंगे तो 50 आएगा। 4 2 ज़ा और 52 ज़ा। अभी भी इसको 2 से काटेंगे तो ये 25। तो 25 डिवाइडेड बाई 2 परसेंटेज, तो 25 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 12.5। तो 12.5% आपका आंसर आ गया। ये हो गया फर्स्ट। वैसे इसका भी ओरली बता देता हूँ, तो 5/4 इंटू 100 इंटू परसेंटेज कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं सी, तो 3/40। तो 3/40 सिंपल हमारा लॉजिक क्या, पहले नंबर लिखो। तो नंबर लिख लिया 3/40। अब उसको क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और पीछे उसके परसेंटेज लगा दो, तो 10 से 10 कैंसल, 4 से मिस 2 2 ज़ा 4, और 5 2 ज़ा 10। तो ऊपर कितना बचा, 3 5 ज़ा कितना आएगा, 15, और नीचे कितना बचा, 2, और ये पीछे क्या लगेगा, परसेंटेज, तो 50 डिवाइडेड बाय 2, तो 7.5, तो उसके क्या बोलते हैं, 7.5%। वैसे डी, 2/7, तो 2/7 इंटू 100, और पीछे आपको परसेंटेज लगा देना है। ओके, तो ये हो गया किसे, तो कोई भी अगर आपको बोले कि ये फ्रैक्शन नंबर है उसको परसेंटेज में आप कन्वर्ट करो, तो 100 से मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसके पीछे आप परसेंटेज लगा दो। चलो अब सेकंड नंबर की, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल। अभी देखो क्या किया था हमने, फ्रैक्शन का परसेंटेज किया था, अब डेसिमल का, डेसिमल फ्रैक्शन जो भी आपको दिया है ना उसका परसेंटेज करोगे। तो पहले 0.65 है, तो चलो पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्या, 0.65। तो 0.65 तो डेसिमल दिया है, तो डेसिमल को पहले नॉर्मल में कन्वर्ट करो। तो नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए कितने पॉइंट है यहाँ पे, 1 2 2 के बाद में पॉइंट है ना, तो 6 5, तो ये 2 के बाद में पॉइंट है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो 65/100। तो ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन में से नॉर्मल फ्रैक्शन आ गया। ये क्या था आपका डेसिमल फ्रैक्शन, ये डेसिमल फ्रैक्शन में से आपका कितना नॉर्मल फ्रैक्शन आ गया। अब इसकी तो प्रोसेस हमको पता है, क्या करना है, सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करो, और पीछे परसेंटेज लगा दो। तो ये भी 100 है, तो 100 100 कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 65%। वैसे ये 2.1 है, तो क्या करो, 2.1 का 21/10 भी लिख सकते हैं ना, तो 21/10, तो 21/10, और पीछे आप 100 लगा दो, और पीछे परसेंटेज लगा दो। ओके, तो थर्ड नंबर, तो थर्ड में क्या है, 0.02। थर्ड में क्या है, 0.02। तो क्या करो, पहले इसको जो आपको डेसिमल फ्रैक्शन है उसका नॉर्मल फ्रैक्शन लगा दो। तो ये 2 पॉइंट है, तो 2 डिवाइडेड बाय 100, ये नॉर्मल हो गया, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करो, और पीछे आप परसेंटेज लगा दो, हमारा सिंपल लॉजिक। तो ये 100 100 कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, 2, और पीछे परसेंटेज लगा दो। फिर ये है 12.35, तो 12.35 का क्या करेंगे, 0.35 के पॉइंट के पीछे कितने कितने डिजिट्स है, 2, तो नीचे क्या लगा दो आप, 100, तो 12 1 2 3 5 upon 100, ये आपका नॉर्मल फ्रैक्शन हो गया। तो 1 2 3 5 upon 100, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, और पीछे क्या लगा दो आप, परसेंटेज लगा दो। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। अब स्टार्ट कर दे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड, हेंस फाइंड द परसेंटेज। ओके, मैं आपको थोड़ा थर्ड वाला करवा देता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड आप अपने हिसाब से देख लेना। तो देखो पहले आपको कितनी फिगर्स कलर की हुई है वो दिखानी है। तो थर्ड में देखो टोटल कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट है, 8 में से कलर कितने किए, 3। तो फर्स्ट का आपका आंसर क्या हो जाएगा,
हाउ मैनी फिगर कलर, तो टोटल फिगर कितनी है, 8 पार्ट में डिवाइड है, उसमें से कलर कितना किया है, 3। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आंसर कि कितनी फिगर कवर की हुई है, तो 3/8, कितनी कवर की है, 3/8। अब इसका आपको क्या लेना है, अब इसका क्या लेना है, परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए क्या बोला था, सिंपल 3/8, उसमें आपको 100 लगा दो और पीछे आप परसेंटेज लगा दो, 100 लगा दो पीछे परसेंटेज, तो ये 4 से 2 जा, ये 4 से 25, तो कितना हो गया, 75/2%, कितना हो गया, 75/2%। तो अभी 75 / 2 तो कितना आएगा आंसर, 37.5%, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे इसमें देखो तो इसमें टोटल 4 पार्ट है, 4 में से एक ही कवर किया हुआ है, तो 1/4, और इसमें भी कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से 3 कवर किया है, तो कितनी फिगर कवर की है, तो 3/4। तो ये जो आपको 3/4, ये 1/4 आया, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके पीछे परसेंटेज लगा दो, तो आपका परसेंटेज में भी आंसर आ जाएगा। ओके, तो आप ऐसे करके कोई भी फिगर, कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन और कोई भी फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके।